तो फाइनली दोस्तों, आपका जो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का जो अलॉटमेंट लेटर है, तो वो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो अभी तक वो थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। यदि आप अभी चेक करोगे तो अभी शाम 8 बजे तक पूरा इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपना अलॉटमेंट लेटर वो डाउनलोड कैसे करना है, और जो एडमिशन की जो डेट दी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एडमिशन कब से कब तक कराना है और एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप देख लेना। वो डॉक्यूमेंट आप तैयार रखना, एडमिशन के समय आपको सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन करोगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हम आपको उस नोटिफिकेशन में लेके चलते हैं जो यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है 11 फरवरी 2022 के दिनांक में यूनिवर्सिटी ने अपडेट किया है। तो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो जल्दी आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी शाम तक ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल थोड़ा साइड में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। और इसमें जो एडमिशन की जो डेट है 15/2/2022 से 19/2/2022 तक आप अपना एडमिशन करा सकते हो। जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उसमें आपको एक कॉलेज दिया रहेगा, उस कॉलेज में यदि आप एडमिशन चाहते हो तो आप 15/2/2022 से 19/2/2022 तक आप अपना एडमिशन करा सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आपको अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको गूगल में आ जाना है और गूगल में आपको यहाँ पर सर्च करना होगा कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल। ये सर्च करने के बाद आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऑन करनी होगी जो कि ये है। तो आपको कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। ये थोड़ा लोडिंग में टाइम लेगा, ये जैसे ऑन होता है तो मैं आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो ये ऑन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो KU एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये लिंक आ जाएगा। आप उस लिंक के माध्यम से भी अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद इसको आपको क्लोज करना होगा। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा है यहाँ पर आप नीचे फिल करोगे। फिर साइन इन आप जैसे करोगे तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। आपके जो प्रोफाइल से आप अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना हमसे।